के आदेश को भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने रोकने का काम कर दिया और आपको एक भी पट्टा देने का काम नहीं किया। हमने यही कहा विश्वकर्मा चंद्र से इंजीनियर होता है, पैदा होते ही लोहे लकड़ी के कारोबार में पैदा होने के कारण वो कुशल कारीगर हो जाता है, लेकिन सरकारी नौकरी उसे इसलिए नहीं मिलती कि आईटीआई का प्रमाण पत्र उसके पास नहीं होता। और ये हमें कब मालूम हुआ, 2005 में 4 में जब उत्तर प्रदेश के शिक्षा मंत्री थे, डिग्री कागज में कारपेंटर की जगह निकली और कारपेंटर की जगह पर किसी दूसरे जात के आदमी की भर्ती कर दी गई। फाइल हमारे सामने आई, हमने अधिकारियों से पूछा कारपेंटर, ये कारपेंटर का काम तो विश्वकर्मा लोहार बढ़ई करता है, इस पर दूसरी बिरादरी का कैसे भर्ती हो सकता है? तो अधिकारी ने कहा किसी विश्वकर्मा के पास आईटीआई का प्रमाण पत्र नहीं। तब हमने जो है उत्तर प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री माननीय नेताजी के पास गए और हमने कहा विश्वकर्मा समाज के लोगों को आईटीआई का प्रमाण पत्र देने का शासनादेश जारी करने का काम करें, और आपकी इस बात को मान करके सन 2013 में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय श्री अखिलेश यादव जी ने विश्वकर्मा समाज के इंटर पास लड़कों को आईटीआई का प्रमाण पत्र देने का शासनादेश जारी करने का काम कर दिया। विश्वकर्मा समाज के इंटर पास लड़कों को, लोहार बढ़ई के लड़कों को आईटीआई का प्रमाण पत्र दिया जाएगा, ताकि आईटीआई का प्रमाण पत्र लेकर के वो सरकारी नौकरियों में भर्ती हो सके। लेकिन किया है आईटीआई का प्रमाण पत्र देने के लिए, तो आए आईटीआई का प्रमाण पत्र क्यों नहीं विश्वकर्मा लोगों को दिया जा रहा है? तो अधिकारी ने कहा कि केंद्र की सरकार ने उस पर रोक लगाने का काम कर दिया। बीजेपी की सरकार ने जो कानून उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार किया था, उस कानून पर केंद्र की बीजेपी की सरकार ने रोक लगाने का काम करती है। इसलिए विश्वकर्मा समाज के लोग हों या हमारे पिछड़े वर्ग के लोग, हम एक ही बात करना चाहते हैं, आप राजनीतिक बनो, आपको ये सोचना पड़ेगा, आप एक नजर अपने कारोबार पर रखो, एक नजर लखनऊ और दिल्ली की सरकार पर रखो। सरकार अगर आपके खिलाफ काम कर रही है तो सरकार को हटाने का काम करो। 2022 में समाजवादी पार्टी की सरकार बना करके अपने अधिकार, नौकरी और रोजगार को लेने का काम करो। ये हम आपसे अपील।